हेलो, मैं प्रदीप समेले, एक्स सीनियर सेक्शन ऑफिसर अकाउंट्स नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। प्रदीप समेले क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैंने सोचा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में जो भी मेरा अनुभव है, उस एक्सपीरियंस को मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं, और इस संबंध में कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली फॉर रेलवेज की वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। और इस सीरीज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड मैथ्स के सभी टॉपिक्स के बारे में मैं बात करूंगा, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम समय में सही उत्तर देना होता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से। तो फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति को हम समझने के लिए कुछ डेफिनेशंस सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर को हम हिंदी में प्राकृत संख्याएं बोलते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। और ये नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होता है और अनंत तक होता है। इसको हम धन पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं। तो ये संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं, 1 to infinity, यानी संख्याएं इस तरह से होंगी, 1, 2, 3, 4, ... इस तरह से और अप टू इन्फिनिटी। तो ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स, या इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स की। सो पूर्ण संख्या या होल नंबर्स, देखिए होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या, इसमें और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या है, एक्चुअली हम देखें तो इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें डिफरेंस ये है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, एक से स्टार्ट होती है अनंत तक, जबकि होल नंबर 0 से लेके और अनंत तक होती है। तो 0, 1, 2, 3, ... इस तरह से और अप टू इन्फिनिटी, ये हमारा होल नंबर होता है। अब इसमें अगर हम एक छोटा सा सवाल करें, देखिए इसमें अगर हम एक छोटा सा सवाल करें तो सवाल किस प्रकार से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, यानी हमें सम करना है 1, 2, 3, 4, ... और अप टू प्लस 20, इस तरह से हमें करना है सम। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सम निकालने के लिए सम ऑफ 20 नंबर्स यानी जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका करना है। तो हम इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, एल प्लस एल यानी लास्ट नंबर, तो लास्ट नंबर हमारा क्या है 20, और प्लस फर्स्ट नंबर यानी 1, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितना कह रहा है वो, फाइंड द सम ऑफ 20 नंबर्स, सो नंबर ऑफ टर्म्स कितना कह रहा है 20, और डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं 2 × 10 = 20, 20 + 1 = 21, 21 × 10 = 210 यानी 210 आ जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 होल नंबर्स, तो अब होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने बताया कि होल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, तो ये क्या होगा, इसमें ऐसे होगा 0 + 1 + 2 + ... और प्लस एंड में क्या आएगा, इसमें एंड में इसमें प्लस 19 आएगा, क्योंकि ये 0 एक एडिशनल नंबर हो गया, तो इसका लास्ट टर्म हमारा 19 हो गया। तो इसमें हम जब होल नंबर्स का सम ऑफ फर्स्ट 20 होल नंबर्स का जब हम सम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें लास्ट टर्म क्या है हमारा 19 प्लस फर्स्ट टर्म कितना है 0, और ब्रैकेट लगाएंगे, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या कितनी है 20 है, जैसे इसमें थी ऐसे इसमें है, तो इसमें मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मल्टीप्लाइड बाय 20 हो गया और अपॉन में 2 आ गया, तो क्या हो गया 2 से काट दीजिए 2 × 10 = 20, तो 19 + 0 = 19, और 19 × 10 कितना हो गया 190 हो गया। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो फ्रेंड्स, अब इसमें एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 120, 135, 150, ... 600 का योग ज्ञात कीजिए, मतलब हमें सम ज्ञात करना है। और ये देखिए बिल्कुल सीरीज है, क्योंकि 135 में से 120 घटाइए तो 15 आ जाएगा, 150 में से 135 माइनस करेंगे तब भी 15 आएगा, यानी इसमें कॉमन डिफरेंस बराबर है, तो ये एपी है। तो इसमें हमें इसका योग ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका कॉमन डिफरेंस लिख लेंगे। सो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर, यानी द्वितीय पद का जो मान है उसमें से प्रथम पद का मान माइनस कर देंगे, यानी a2 - a1। तो a2 कितना है इसमें 135
और माइनस a1 कितना है 120, तो इसको जब हम निकालेंगे तो ये कितना हो गया हमारा 15 आ गया, ठीक है। और अब हम इससे n निकालेंगे, मतलब पदों की संख्या निकालेंगे इस सीरीज में पदों की संख्या। तो n इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, l माइनस a अपॉन d और प्लस 1, ठीक है। तो ये l क्या है इसमें, लास्ट पद यानी लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म कितना है फ्रेंड्स, लास्ट टर्म हमारा है कितना 600, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 600 और माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 120, तो यहाँ पे लिख देंगे 120 और ब्रैकेट क्लोज, और हमने कॉमन डिफरेंस कितना निकाला फ्रेंड्स 15, तो ये 15 लिख दिया और प्लस 1। अब इसको देखें तो 600 में से 120 माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना 480, ठीक है 480। और यहाँ पे प्लस में 1 आ जाएगा और अपॉन में कितना होगा 15 होगा, तो प्लस में 1 हम यहां कर देते हैं। अब 15 से हम जब 480 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, देखिए 15 3 द 45 3 बचा और यहां हो गया 30, तो 15 टू द 30, तो ये 32 प्लस 1 यानी कितना हो गया n इज इक्वल टू हमारा आ गया 33, ठीक है। अब जब हमने ये निकाल लिया तो अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, सम निकाल लेंगे। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू होता है क्या, L प्लस A और ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय N और अपॉन 2, ठीक है। तो इसमें लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म और ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाइड बाय N अपॉन 2, तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे, तो इसमें N कितना है हमारा 33 आया था ये, तो हम S33 यानी सम ऑफ 33 टर्म्स 33 पदों की का योग निकाल रहे हैं। लास्ट टर्म कितना है हमारा फ्रेंड्स 600 है, 600 है तो हम यहाँ पे 600 लिख देंगे, और प्लस फर्स्ट टर्म कितना है 120 है तो हम यहाँ पे 120 लिख देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पे n कितना आया हमारा 33 आया, तो मल्टीप्लाइड बाय 33 कर देंगे, ठीक है, और इसके बाद में अपॉन में 2 कर देंगे। अब इसको 600 और 120 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 720 और मल्टीप्लाइड बाय 33 और अपॉन में कितना है 2 है। अब इसको 720 का हाफ कर दीजिए तो 720 का हाफ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 360, तो 360 मल्टीप्लाइड बाय 33। अब इसको जब हम 360 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11,880, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स थोड़ा सा लंबा है लेकिन मैंने डिटेल में इसलिए बताया कि एपी भी आपका आ सकता है तो उसको भी करना है, पर कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी तो आई थिंक ये आप जल्दी कर पाओगे। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट डेफिनेशन समझते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की। सो पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि नेचुरल नंबर्स को ही पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब उसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, धन पूर्णांक, ठीक है। तो धन पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब 1, 2, 3, ... और अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। इसी तरह नेगेटिव इंटीजर की जब हम बात करते हैं, सो नेगेटिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, ये -1 से स्टार्ट होंगे। तो नेगेटिव इंटीजर्स स्टार्ट फ्रॉम -1, -2, -3 और ... और अप टू -∞, ठीक है। तो ये -∞ तक होते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो अब इंटीजर्स क्या होंगे, तो इंटीजर्स यानी पूर्णांक, तो इंटीजर्स को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स यानी पूर्णांक। तो इंटीजर्स क्या होंगे, हमारे ऋण पूर्णांक शून्य तथा धन पूर्णांक को अगर मिला दिया जाए तो वो इंटीजर्स हो जाएंगे। इसका मतलब हम शून्य को अगर बीच में ले लें, यहाँ पे शून्य और इसके इस साइड में यानी राइट साइड में 1, 2, 3, ... और इस तरह से अप टू इन्फिनिटी, और इसके लेफ्ट साइड में -1, -2, -3 और ... और इस तरह से इन्फिनिटी तक, ठीक है, इस तरह से अप टू इधर हम इन्फिनिटी तक ले लें ... तो इस तरह से ये हमारे इंटीजर्स हो जाते हैं सारे। तो अब हम समझते हैं इवन नंबर्स। सो इवन नंबर्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, इवन नंबर्स मतलब क्या होते हैं, जो संख्याएं दो से भाजित हो जाती हैं, दो से जिनमें भाग चला जाता है उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो इवन नंबर्स में क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स, जैसे 2, 4, 6, 8, ... इस तरह से एंड अप टू इन्फिनिटी तक हो जाएगा, ठीक है, इवन नंबर्स हो गए। यानी इवन नंबर्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं, जो दो से विभाजित हो जाती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो दो से विभाजित
नहीं होते हैं, यानी विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती हैं, फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, ... और अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसके बाद में हम ले लेते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं फ्रेंड्स? कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 4। अब 4 4 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, लेकिन साथ में 2 से भी डिवाइड हो रहा है। इसी तरह 6, 1 से 6 से डिवाइड होता ही है, लेकिन 2 और 3 से भी डिवाइड होता है। इसी तरह हम 8 को ले सकते हैं कि 1 और 8 से तो डिवाइड होगा ही, लेकिन 2 और 4 से भी डिवाइड होगा। तो इसी तरह लाइक दैट हम 9 एटसेट्रा, इस तरह से बहुत सारी संख्याएं ले सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं अगर प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? प्राइम नंबर्स, ये हम इसलिए एक बार रिवाइज कर रहे हैं नंबर सिस्टम को, ताकि पुराना आपने पढ़ा होगा, इसको अच्छे से पढ़ा होगा, पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जब हम देने जाते हैं तो हमें बहुत सारी बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ताकि हम अच्छे से समझ के और उसका सवाल को का सही सही उत्तर कम से कम समय में दे सकें। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे इसकी प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर का मतलब होता है वो संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। करेक्ट, जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें 2, तो 2 1 और 2 के अलावा किसी से विभाजित नहीं होगी। अगर हम ले लें 3, तो 3 1 और 3 के अलावा किसी से विभाजित नहीं होगी। अगर हम ले लें 5, तो 5 1 और 5 के अलावा किसी से विभाजित नहीं होगी। हम ले लें 7, तो इसमें भी 1 और 7 के अलावा किसी से विभाजित नहीं होगी। अगर हम ले लें 11, तो 11 भी 1 और 11 के अलावा किसी से विभाजित नहीं होगी। तो इस तरह की संख्याओं को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। इसी तरह से अगर हम और आगे बढ़े तो हम बात कर सकते हैं को प्राइम नंबर्स की। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स का मतलब है, को प्राइम का मतलब होता है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं यानी संख्याओं का वह पेयर या युग्म, संख्याओं का वह पेयर या युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ नंबर ना हो, कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर्स। एक बार फिर से बता देता हूं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? संख्याओं का वह युग्म यानी वह पेयर जिसमें एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ऐसे जोड़ों को या ऐसे पेयर्स को हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर्स। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं, मान लो 2, 5 एक पेयर ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरह हम बहुत सारे पेयर ले सकते हैं, 3, 7 ले सकते हैं, या 5, 7 ले सकते हैं, या इसमें और भी बहुत सारे ले सकते हैं हम। ठीक है, 8, 11 ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इनमें हम देख रहे हैं कि एक के अतिरिक्त कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है। अब जैसे मान ली फॉर एग्जांपल हम ऐसे बात करें कि अगर हमारे पास में 6 और 15 है, तो 6 और 15 क्या को प्राइम नंबर है? जी नहीं, ये सह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभी इसमें कॉमन फैक्टर 3 है। तो इसको अगर हम काट दें 3 2 6 और 3 5 15, यानी 2/5, यानी ये जो पेयर है 2, 5 ये को प्राइम नंबर बन गया। तो इसको भी अच्छे से हमें समझना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम करते हैं एक क्वेश्चन। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो पहले तो इसका ठीक बीच वाली सम संख्या निकाल ली। ठीक है, बीच वाली सम संख्या, और उसके बाद में सबसे छोटी सम संख्या क्या है और फिर सबसे बड़ी सम संख्या क्या है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम। हम सबसे पहले ठीक बीच वाली संख्या निकालेंगे, तो ठीक बीच वाली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्याएं कितनी है 5, तो इसमें हम क्या करेंगे 250 इसका योग है, तो इसको बटे में 5 कर देंगे। तो इससे आ जाएगा हमारा ठीक बीच वाली संख्या कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, अब हमें सबसे छोटी संख्या निकाल ली है, तो अब इसमें ये कौन सी हो गई, तीसरी संख्या हो गई। ये कौन सी संख्या हो गई, तीसरी, क्योंकि 5 में से बीच की संख्या जो है वो तीसरी होगी। तो अब हमें इसमें क्या करना है, दूसरे में सबसे छोटी सम संख्या निकालनी है। तो 50 में से हम -2 करेंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगी, फिर से -2 करेंगे तो पहली संख्या हो जाएगी, यानी 50 में से 4 सीधे सीधे घटा दें तो आंसर आ जाएगा इसका 46, यानी 46। तीसरा सवाल है इसका, सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी सम संख्या यानी तीसरी संख्या के बाद चौथी और पांचवी, तो इसमें 2 बार 2 जोड़ देंगे, यानी डायरेक्ट आप 4 भी जोड़ सकते हैं, तो इसका हो जाएगा 54। तो ये हो जाएगा आंसर। फ्रेंड्स अगला वाला जो क्वेश्चन है वो है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए,
तो पहले तो हमें इसकी क्या करेंगे, हम छह क्रमागत संख्याएं दी हैं, तो छह क्रमागत संख्याएं कैसी हो सकती हैं, इनको सम करेंगे हम। तो पहली संख्या अगर x माने तो दूसरी, क्योंकि इसमें विषम संख्याएं दी हैं छह, तो प्लस टू का डिफरेंस होगा, तो प्लस टू, और अगली वाली हो जाएगी प्लस फोर, और अगली वाली में हो जाएगा x प्लस सिक्स, और उसकी अगली वाली में हो जाएगा x प्लस एट, और अगली वाली में हो जाएगा x प्लस टेन। तो ये हमारी संख्याएं हो गई छह विषम, ठीक है। तो इसमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठवीं, तो इन सब का सम करेंगे, तो ये सम कितना होना चाहिए प्रश्नानुसार 180 होना चाहिए। अब इसको हम फटाक से देखें, 6x, यहाँ पे 6 बार x है तो 6x कर देंगे, और इसको 10 और 8 18 24 4 28 2 30, तो प्लस 30 बराबर 180। अब इसको इस साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो 6x बराबर 180 माइनस 30, यानी 6x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 150 हो जाएगा, तो x बराबर 150 अपॉन 6, तो 25 छक्के 150, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 25 आ गया, ठीक है। तो x बराबर 25 आ गया। अब उसने कहा है कि चौथी संख्या निकालिए, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चौथी वाली क्या है हमारी x प्लस 6, तो हम लिख देंगे यहाँ पे चौथी संख्या, चौथी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी x प्लस 6, यानी 25 प्लस 6 बराबर 31, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 31। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। सो रेशनल नंबर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं, सो रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर को हम p अपॉन q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं रेशनल नंबर, और इसमें कंडीशन क्या है कि वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें p और q क्या है, पूर्णांक है, ये इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसको हम वैसे भी कह सकते हैं कि ये या तो टर्मिनेटिंग होते हैं रेशनल नंबर, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। तो चलिए अब अपन कुछ इसमें देखते हैं कि जैसे 3, 5, 7, अब देखिए ये p अपॉन q के रूप में है, हाँ इनको लिखा जा सकता है p अपॉन q के रूप में, क्योंकि 3 अपॉन 1, 5 अपॉन 1, 7 अपॉन 1, तो ये रेशनल नंबर हो गए। इसी तरह अगर हम लेते हैं 22/7, ये भी p अपॉन q के रूप में है। अगर हम लेते हैं 7/9, ये भी p अपॉन q के रूप में है। इसी तरह हम लेते हैं मान लीजिए 1.1, तो ये भी p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि इसका डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा, यानी 11/10 हो जाएगा, तो ये भी लिखा जा सकता है। इसी तरह अगर हम मान लीजिए ले लेते हैं 3.27, तो इसको भी हम रेशनल नंबर के रूप में डिफाइन कर सकते हैं p अपॉन q के रूप में, क्योंकि अपॉन में हम 2 डिजिट बाय डेसिमल है, तो अपॉन 100 कर देंगे, तो 327/100 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 1/3 लिखते हैं, तो इसको p अपॉन q के रूप में लिखा हुआ है, ये रेशनल नंबर है, लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 1 को 3 से, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0, फिर 3 था, फिर 1 बचेगा रिमाइंडर, फिर 3 था, इस तरह से ये कंटिन्यू आता जाएगा, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो गया, ठीक है। तो इसको हम और सुविधा करने के लिए, इसको बार बार 3 ना लिखना पड़े, तो इसके लिए हम नोटेशन यहाँ पे लगा देते हैं ऊपर, 3 के ऊपर एक बार लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, वैसे अगर आप निकालेंगे, मान लीजिए इसको आता है कि 0.3 को बार को आप p अपॉन q के फॉर्म में लिखिए, तो वैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जितने डिजिट में बार लगा है उतने बार अपॉन में 9 कर दीजिए, यानी डिनोमिनेटर में अपॉन 9 कर दीजिए। तो जैसे आपको निकला है p अपॉन q के फॉर्म में लिखना है, मान लीजिए p अपॉन q के फॉर्म में लिखना है 0.3 बार को, तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/9, यानी इसको काटेंगे तो 3 बंदा 3, 3 3 9, यानी 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह अगर आपको लिखना है 0.03 बार, तो इसमें 2 डिजिट पे 03 पे बार लगा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे 3/, और यहाँ पे कितने डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे, तो 2 बार 9 लिख देंगे, यानी 99, तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/33 हो जाएगा ये, ठीक है। इसी तरह हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, मान लीजिए हमसे कहता है 0.001, तो यहाँ पे 3 डिजिट के ऊपर बार है और इसको हमें p अपॉन q के रूप में एक्सप्रेस करना है, तो 1/, और कितने 3 डिजिट पे बार है, तो 3 बार 9 लिख देंगे और आंसर हमारा इस तरह से आ जाएगा। तो ऐसे हम बहुत सारी संख्याओं को आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमसे कोई कहता है कि 0.76, अब इसमें 6 पे बार लगा है, इसको सॉल्व करिए, तो इसके लिए क्या तरीका है, इसको हम बता देते हैं ट्रिक, कि इसमें क्या करेंगे, पहले तो हम 76 लिखेंगे,
और फिर जिस पर बार नहीं लगाए इसमें, किस पर बार नहीं लगाए, सेवन पे, तो माइनस कर देंगे इसको सेवन को। अब कितनी संख्याओं पे बार लगा है, तो ये एक संख्या पे बार लगा है तो यहाँ पे एक बार नाइन आ जाएगा, और कितनी संख्याओं पे बार नहीं लगा है, तो सात पे बार नहीं लगा है तो उतने जीरो जाएंगे। यानी इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 69, कितना हो जाएगा ये 69/90, और 69/90 को आप अगर एक्सप्रेस करेंगे उस फॉर्म में तो ये कितना हो जाएगा 23/30। यानी इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 23 आ जाएगा और यहाँ पे बटे में कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, तो 23/30 इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। अब चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप का ले लेते हैं, मान लीजिए थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए इस तरह से आ जाता है कि 1.27 और इसमें 27 पे बार लगा है। अब देखिए यहां पे 27 पे बार लगा है क्योंकि बार हमेशा डेसिमल के बाद ही आता है, तो अब इसको करना है तो इसको सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि 1 लिखेंगे और प्लस 0.27 बार। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस और ये कितना है 27 और कितने डिजिट पे बार लगा हुआ है, 2 डिजिट पे, तो दो बार नो नो लिख देंगे। अब इसको हम अगर हम कन्वर्ट करें तो 91 और प्लस 27 कितना हो गया, 126/99। अब इसको 126/99 को अगर हम इससे 9 से काटे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में 11 और 9 × 9 = 36, तो ये कितना हो गया, 14/11। तो इस तरह से इसका 14/11 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, तो ये सवाल भी आपके ऐसे आ सकते हैं, तो इनकी हमने तैयारी करा दी। और अब हम करते हैं अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। सो इरेशनल नंबर क्या होता है, अब देखिए इरेशनल नंबर माने अपरिमेय संख्याएं, तो जो संख्याएं परिमेय नहीं है यानी इरेशनल नहीं है, तो जिन संख्याओं को पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त ना किया जा सके वो इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर में फ्रेंड्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आते हैं और रूट वाले नंबर आते हैं जिनका रूट हम निकाल नहीं सकते, जैसे रूट टू। अब रूट फोर नहीं आएगा इसमें क्योंकि रूट फोर को तो हम बाहर निकाल सकते हैं, टू आंसर आ जाएगा, तो रूट फोर नहीं आएगा। रूट फाइव आ जाएगा इसमें, रूट थ्री आ जाएगा, तो रूट थ्री आ जाएगा, रूट फाइव आ जाएगा, रूट सेवन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और इसके बाद में अगर रूट नाइन की बात करें तो रूट नाइन में तो थ्री बाहर निकल के आ रहा ना, तो ये नहीं आएगा। इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स भी इरेशनल नंबर में आते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1.01 और यहां पे लिख दें हम 001 और 0001। तो इस तरह से अगर हम ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को देखिए यहां पे 01 है, फिर 001 है, फिर 0001 है, तो ऐसे नंबर्स में हम इसको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब हम इसमें पाई को भी लेते हैं, पाई को क्यों लेते हैं, देखिए यहां पे हमने देखिए यहां पे आपको 22/7 हमने यहां पे लिया हुआ था, ये 22/7 पाई की वैल्यू 22/7 हम रखते हैं, पर वो एक्चुअली पाई की वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो जब पाई की बात आती है तो पाई इरेशनल नंबर में आएगा और 22/7 काय में आएगा, रेशनल में आएगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो इस ये पाई जो है काय में आएगा, इरेशनल नंबर में आएगा। अब हम बात करते हैं अगर दोनों संख्याओं को मिला दें, अगर हम इरेशनल इरेशनल को, तो इनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स यानी रेशनल और इरेशनल यानी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो ये हमारा नंबर सिस्टम की कुछ डेफिनेशंस हम बताना चाह रहे थे आपको, क्योंकि जब एग्जाम में आपको सब चीजें आनी चाहिए कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर क्या है, तो ये सब पता होना चाहिए, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वगैरह वगैरह, है ना, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, क्योंकि ये पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चन में समझ कैसे पाओगे। और फिर क्वेश्चंस तो हमें शॉर्ट ट्रिक से ही करने हैं एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक से ही करने होते हैं क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका पूरा पूरा लाभ ले सकें। थैंक यू वेरी मच।